अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, गोदाम में हम आलू बुखारे की पैकिंग बनाते हैं। जिस जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये पैकिंग होती है, ये हम 360 ग्राम तोलते हैं और ये आलू बुखारा आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे गोदाम में जो है ना, सामान सारा तुल के लगता है, कोई तुलने के बगैर नहीं यहाँ पर लगाया जाता। आप देख रहे हैं मैं तोड़ के वजन कर रहा हूँ, तो 360 ग्राम तोड़ना है एक एक पैकेट में। तो देखिए बाद में कितना होता है, 5 किलो का वैसे पैकेट होता है। पैकिंग करने का ये मतलब होता है कि ये मतलब नहीं कि वज़न तोल के चीज़ डाल जाती है, पैकिंग का ये मतलब हो जाता है कि हम चीज़ जो उनसे ना साफ़ सुथरी डालते हैं कि गंदगी। देखिए अब ये पैकेट डाल देंगे ना, हमारा ही फायदा है। पैकेट पकड़ा और पानी में डाल के से भिगो देते हैं। तो वैसे हम रोज़ रोज़ तोले ना, तो आपको पता रोज़ रोज़ पैकेट खोलना, उसे पैक करना, उसे फिर खोलना, उसे पैक करना, जरासीम वगैरह उसको तो धूल मिट्टी करती है। तो ये तो बहुत अच्छा पसेंजर है। तो मेरा प्लान है ना नीचे का, तो अब देखिएगा मैं इंशाल्लाह ये कर रहा हूँ, उनका वजन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चले आज आपके लिए भी शेयर कर दी जाए बात कि हम कैसे ये चीज़ें वगैरह पैकिंग करके लगाते हैं। ये आरामी आलू बुखारा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, अच्छा साफ सुथरा होता है। ये दाम सस्ती चीज़ नहीं लेता, 360 रुपये किलो इसका आज का रेट चल रहा है। तो 360 रुपये किलो मैं लेके आया सुबह, तो 5 किलो को ज़रा दे दे तो 1800 रुपये की पेटी बनती है 5 किलो की। तो ये 5 किलो की होती है पेटी, तो मैं 1800 की सुबह ये पेटी लेके आया। तो पेटी में रोज़ का हमने एक पैकेट लगाना होता है, जितनी भी डिजाइन बनानी है उतना हमें एक पैकेट लगाना होता है। तो ये अब एक पैकेट आज मैंने भिगो दिया और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैं इसका वजन कर लूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगा। बेसन भी तुलेगा, बेसन का भी होगा वजन, बेसन ये तोड़े में लगा हुआ है, काफ़ी दिन से यहाँ पड़ा हुआ था, तो आज दिल कर पड़ा तोड़ने को। मैंने कहा चलो तोड़ ही लेते हैं, पारी भी तो बैठ ही जा रहा, तो वही बंदा काम कर लें, कुछ आपसे शेयर कर लूँ बात आपके नॉलेज में आए। तो सफाई के मुतालिक, सफाई में खुदाई है, इतना तो जनाब आपको भी पता है माशाल्लाह। असर आ गया है जैसा कि आपको देख रहे हैं कैमरे में, ख़त्म होने वाला है। 400 भी चला गया, 360 करना, 400 चला गया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 12 उतरो गई, 54 लो जनाब, थोड़ा ही बिल्कुल रह गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मीठी चटनी भी चूल्हे के ऊपर रखी है पकने के लिए, ये भी ज़्यादा है रखे हुए हैं, ये मीठी चटनी है। इसे हमारे जो ये ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर में है ना, तहसील पसरूर में क्या, जिधर भी ये आलू बुखारे की चटनी है ना, वो माशाल्लाह कस्टमर काफ़ी लाइक करते हैं इसे। तो हम इंशाल्लाह माशाल्लाह साफ़ चटनी बनाते हैं, कोई गंदगी वगैरह की कोई चीज़ नहीं। चीनी भी हम तोल के लेते हैं, तोल के डालते हैं, तो इसमें 10 किलो चीनी डालनी होती है, तो 10 किलो डाल के हम काम करते हैं। तो जब ये पक जानी फिर पता चलना है चटनी का। अभी देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ आलू बुखारा, ये आलू बुखारा भी गा हुआ है, ये दाल माश भी की है। उमर भाई आ गए हैं, तो उमर भाई से रब्ता करें। मुझे क्या पता है पानी, मैं आलू की देखने आया हूँ कहानी, उसके बाद मैंने छिलके लेके बकरों को खिलाने,
मेरा नाम उमर है। लो जी उमर भाई आए थे पूछने के लिए जी। मेरा प्लान बन रहा था कि यार चम्मच लगा ही हूँ नीचे, चम्मच लगाने से ये होता है कि नीचे लगती नहीं है चटनी, तो देखे कैसे बुलबुले आ गए। अभी मैं इसमें चीनी डालूँगा तो आप चीनी चेक कीजिए। लो जी चीनी डालते हैं। ये 5-5 किलो की पैकेट है तो टोटली 10 किलो है। ओहो शापर बहुत बारीक है तो नीचे से फट चुके हैं, कोई बात नहीं चलता रहता है दुनिया का निजाम है। कंपनी ने चापर मारे निकाले हुए हैं तो गलती दुकानदार की नहीं है, चापर बनाने वाले की है। वो भी क्या करे इतनी महंगाई होगी, महंगाई में फिर आपको पता है चीज़ों का रेट क्या जा रहे हैं, भाव क्या जा रहा है। अच्छा आपने जनाब ये चीनी डाल के ना इसे मेल्ट करना है, मेल्ट इतना करना है कि चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। ये आपने कोशिश करनी है कि इसे चम्मच मारते रहे तो ये मेल्ट होता है। ये आलू मेरा ख्याल है उबल गए हैं तो चेक कर लेते हैं। अभी कच्चे हैं। बेसन तोलने एक काम कर रहे हैं, दूसरा काम आप करते हैं। तो चीनी डाल दी मैंने चटनी में, चटनी जब होगी ना अभी मैंने एक दफ़ा और उसे चम्मच लगाना है, उसके अंदर मिक्स करना है। चम्मच मिक्स जब करना है ना फिर उसके बाद मैंने इसके इसने फिर उबाला देना है, उबाले के बाद मैंने इसके अंदर आलू बुखारा डालना है। तो अगर मेरी वीडियो चलती रही मैं आपको आलू बुखारा दिखाऊंगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आप दुआ करेगा मैं स्टैंड ले लूँ। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है वीडियो वाला, स्टैंड ले लूँ फिर आपको मैं प्रॉपर वीडियो दिखाया करूँगा, अभी तक तो फिलहाल यही है। जनाब मीठी चटनी में आ गया हूँ दोबारा चम्मच मारने, तो वीडियो मैंने इसलिए रोकी थी अजान हो रही थी तो इत्राम करना चाहिए, तो बना उस बिला इत्राम हम मुसलमान हम इत्राम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो फ़र्ज़ तो हमारा ये इत्राम करना। तो दूसरी बात बेसन गया तुल वो पैकेट पड़े हैं सारे, ठीक है आलू बुखारा तो वो मैंने शापर में डाला हुआ ना उसकी तो बात ही नहीं, तो ठीक हो गया इंशाल्लाह। आलू नहीं यार हो रहे, आलू मैं बाहर दोबारा देख लेता हूँ, दुकान में दही भले जाते हैं तो आलू भी ख़त्म हुए हुए हैं, पहले बताते नहीं हैं ये तो बाद में परेशानी डाल देते हैं, अभी ये परेशानी है और क्या है, आलू नहीं होंगे तो परेशानी होगी ना, अभी नहीं हुए। 3:10 पे रखे हुए थे, ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे तो बादशाह तो गिरेगी, कोई बात नहीं। वैसे आपने कभी मीठी चटनी घर में बनाई है, आप इंशाल्लाह बनाएं बहुत मज़ा आएगा। कुरमानी लेते हैं हम और उसे ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करके उसे पानी में डाला जाता है, पानी में डाल के ऐसे उसे मेल्ट करके जब वो उबाला दे, उबाला मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है,
उबाला देगी तो आपने इसे चीनी डाल देनी। चीनी डाल के चंद मिनट बाद फिर इसमें उबाला देना, फिर इसमें आपने कलर थोड़ा सा हसबे जैका तो बीच में आलू बुखारा डाल लेना है, ज़्यादा कही आलू बुखारा डाल के तो आप देखिए।